हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, टेस्ट क्रॉस की बात की थी, बैक क्रॉस की बात की थी, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं डेविएशंस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डेविएशन हम सीखेंगे, तो वो डेविएशन एक्चुअली में क्या है, ये जो हम सीखने जा रहे हैं आज डेविएशन, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल ने जो अपने लॉ दिए, उसने कहा कि हर जगह यही एप्लीकेबल होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मेंडल के वो लॉ काम नहीं करे, उन मेंडल्स के उन लॉज ने काम नहीं किया, यानी कि जब वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वहाँ से क्या हम बोलेंगे उसको, डेविएशन आ गई। क्या आ गई? डेविएशन, ठीक है। इसलिए बोला गया इसको डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। तो डेविएशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो डेविएशन में हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। फर्स्ट, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान देना ज़रा, मेंडल ने डोमिनेंस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है। अभी इनको डिस्कस करते हैं हम, पता चलेगा क्या होता है। द नेक्स्ट वन इज को डोमिनेंस। ओके, तो ये दोनों डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, और ये जो डेविएशन है ये मोनोहाइब्रिड के डेविएशन है। किसके हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन। डाईहाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, हमें नहीं पढ़ने हैं ये। आप फर्दर अगर जो कॉलेज में पढ़ते हैं जा करके, लाइफ साइंसेज या बॉटनी सेक्शन में, ठीक है, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी ट्वेल्थ क्लास में हमारा डाईहाइब्रिड वाला नहीं दिया हुआ है डेविएशन, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, ये कैसे डेविएशन बना, और उसके बाद को डोमिनेंस की बात करेंगे। ओके, तो हम बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है when two contrasting alleles come together, then they both express intermediate character, ठीक है। तो incomplete dominance कहता है जब दो contrasting allele एक साथ आते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाते हैं। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील एक साथ आते हैं तो जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव वाले के कैरेक्टर को हाइड कर देता है, अपने दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों का जो मिक्सअप होगा वही नज़र आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर निकल करके आता है। ये किसने बताया था? ये बताया था कोरेंस ने, कार्ल कोरेंस, ठीक है। इसलिए इसको कोरेंस लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरेंस लॉ। एक्चुअली में उसने वर्क किया, एग्जांपल अगर जो मैं कहूँ किसके ऊपर वर्क किया,
तो उसने वर्क किया एंटीरिनम मेजस, ठीक है, और मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, इन स्पीसीज पर वर्क किया। ओके, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, फोर ओ क्लॉक प्लांट, ठीक है, वो इन्हीं के दूसरे नाम हैं। तो इन पर वर्क किया। एक्चुअली में उसने ऑब्जर्व किया कि जो एंटीरिनम मेजस है, या हम बोल सकते हैं मिराबिलिस जलापा है, ये दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। कितने टाइप के फ्लावर? दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस टू टाइप्स फ्लावर, और ये दो टाइप के फ्लावर का जो कलर था वो क्या था? एक था रेड और एक वाइट। इसने ये देखा, भैया रेड और वाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसने क्या किया, इसका दिमाग खिला, इसने कहा चलो भैया क्रॉस करवा करके देखते हैं। क्या करवा के देखते हैं? क्रॉस करवाते हैं इनमें। तो जिस तरीके से मेंडल ने स्टार्टिंग की थी, उसी तरीके से इसने भी स्टार्टिंग की, और इसने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो आप इसको नोट कर ले, ठीक है, मुझे स्पेस की ज़रूरत है, मैं इसको रफ करने वाला हूँ और फिर हम देखते हैं इसका क्रॉस। मैं फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर एक्सप्रेस लिखा हुआ है। ओके, कोरेंस ने क्या किया, पेरेंट को सेलेक्ट किया, तो इसने एक तरफ ले लिया रेड फ्लावर, क्या ले लिया, रेड फ्लावर, और दूसरी तरफ लिया इसने वाइट फ्लावर। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल आर से, और इसको रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल आर से। एक्चुअली में क्रॉस करवाने जा रहे हैं हम, तो एक को मेल कंसीडर करेंगे और एक को फीमेल। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है गैमिटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा? गैमिटोजेनेसिस। तो क्या फॉर्म होंगे यहाँ पर? गैमेट्स फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दोनों एक जैसे हैं तो गैमेट बनेगा आर, दोनों एक जैसे हैं तो गैमेट बनेगा आर। ओके, दोनों में क्रॉसिंग करवा दी गई। क्या करवा दी गई दोनों में? क्रॉसिंग हुई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले बन जाएंगे। आपको बात समझ में आई होगी? आप चाहें तो दो गैमेट ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आप एक गैमेट से करें। कहीं सोच रहे हो कि सर पहले तो कैसे करवाया था मेंडल वाले में, इस बार एक ही लिया है, कोई नहीं, आप दो गैमेट लेकर के कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, दूसरा गैमेट होगा कैपिटल आर, इसका दूसरा गैमेट होगा स्मॉल आर, ठीक है। आप अगर जो क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या निकल करके आएगा, इधर से हो सकता है कैपिटल आर आए, इधर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बन गया, ठीक है। हो सकता है अब यार इधर से तो ये आया है, लेकिन इधर से दूसरा वाला आर आ गया है। अब की बार इधर से ये वाला आर और इधर से ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एक जैसे ही आए हैं, इसलिए मैंने एक लिया था। अब ये रेड है, ये वाइट है,
ये कौन सा बनेगा? मेंडल के अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए रेड, ठीक है, क्या होना चाहिए? रेड। लेकिन कोरेंस ने क्या देखा? कोरेंस ने देखा ये सारे के सारे पिंक निकले। कैसे निकले? पिंक, ऑल आर पिंक। सारे के सारे पिंक निकले। क्यों पिंक निकले? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स कम टुगेदर, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील एक साथ आएंगे देन दे बोथ एक्सप्रेस इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो दोनों क्या दिखाएंगे? इनके बीच वाला कैरेक्टर दिखाएंगे। रेड और वाइट को अगर जो हम मिक्स करें एक साथ में तो पिंक नज़र आता है। इसलिए सारे के सारे फ्लावर कैसे नज़र आए? पिंक नज़र आए, ऑल आर पिंक। तो अब आपको समझ में आ गया हमने डेविएशन क्यों बोला। ओके, नेक्स्ट, ये तो रही बात F1 जनरेशन की। किसकी बात रही ये? F1 जनरेशन की। अब हम निकालते हैं F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन हम कैसे निकालें? तो आपको बताया गया था जब भी आप F2 जनरेशन निकालना चाहते हैं तो जो F1 में प्रोजेनी आए हैं इनमें सेल्फिंग करवा दी जाए। क्या करवा दी जाए? इनमें सेल्फिंग। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप सेल्फिंग करवा दें। सेल्फिंग, तो जब सेल्फिंग होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से कैपिटल आर स्मॉल आर, एक को आप कंसीडर करेंगे मेल और एक को कंसीडर करेंगे फीमेल, इनको हम मानेंगे पेरेंट। क्या मानेंगे? पेरेंट। इनमें प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस। क्या प्रोसेस होगा? गैमेटोजेनेसिस। और क्या बनेंगे? गैमेट्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? गैमेट्स। तो आप यहां से गैमेट्स को बना सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, ये गैमेट बन चुके हैं। अब क्रॉसिंग करवाते हैं। चाहे आप इस टाइप का क्रॉस इस्तेमाल कर लो या फिर आप पनेट स्क्वायर बना लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दो गैमेट हैं, मैं यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर बना लेता हूँ छोटा सा। एक तरफ हम मेल के गैमेट ले लेंगे और दूसरी तरफ फीमेल के। मेल के गैमेट क्या हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर, फीमेल के कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप देखें ज़रा इनमें क्या आएगा। इस कॉलम की बात करें, इधर से कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। इसकी बात करें तो इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर। इसकी बात करें तो कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर। इसकी बात करें स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये आ जाती है हमारे पास F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई है? F2 जनरेशन आ चुकी है। हमने डेविएशन क्यों बोला? अब देखना ज़रा, रेशियो निकालते हैं हम, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका फिनोटाइप। क्या निकाल लेते हैं? फिनोटाइप। कैपिटल आर कैपिटल आर, अब देखो कैपिटल आर कैपिटल आर किसके लिए है? रेड फ्लावर के लिए। तो एक ही बार है कैपिटल आर, तो हम बोलेंगे एक तो हो गया भैया रेड। क्या हो गया? एक रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये किसके लिए है? कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, दो हो गए पिंक। स्मॉल आर किसके लिए है? वाइट के लिए, तो एक हो गया वाइट। एक कैसा हो गया? वाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया हमारे पास? फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ये आ गया हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो। वेयर एज मेंडल
फाइंड आउट द रेशियो 3:1. द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस वॉज 3:1, वेयर एज द कोरेंस फाउंड द फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. इट इज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. ओके, तो ये डेविएशन है जो मेंडल्स लॉ की वजह, जो मेंडल ने कहा था वैसा ना होकर कुछ और आ गया, इसलिए डेविएशन में इसको काउंट किया गया. लेकिन अगर जो अब हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, आइए देख लेते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा. जीनोटिपिक रेशियो, सो कैपिटल आर, देयर इज ओनली वन कंडीशन. कैपिटल आर स्मॉल आर, देयर आर टू कंडीशन. Smaller, one condition. So, genotypic ratio is also 1:2:1. Now, remind my previous lecture in which I have told you the genotypic and phenotypic ratio can be same in case of test cross or incomplete dominance. So, it's all about incomplete dominance. Now, you can see over here the genotypic and phenotypic ratio is same. और ये किस कंडीशन में सेम होता है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा टेस्ट क्रॉस में सेम होता है. एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का, आप अगर जो बोर्ड एग्ज़ाम उठा करके देखते हैं सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन करना था. और ये क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि किस तरीके से किसी भी स्पीसीज का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो सकता है. क्या ये डेविएशन है मेंडल्स लॉ से? ऑब्वियसली इट्स अ डेविएशन. क्यों डेविएशन है? क्योंकि मेंडल ने जो फिनोटिपिक रेशियो निकाला था वो 3:1 निकाला था, जिसमें 3 टॉल और 1 ड्वार्फ आया था. आप हाइट ना लेकर के किसी दूसरे कैरेक्टर से भी कर सकते हैं. रेशियो ऑलवेज क्या आया उसका? 3:1 आया. लेकिन कोरेंस ने जब एंटीरिनम मेजस और मिराबिलिस जलापा को स्टडी किया तो रेशियो ये निकला. इसीलिए उसने क्या बोला, इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नो कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द अदर व्हेन द बोथ द कैरेक्टर्स कम्स टुगेदर. बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग एलील कम्स टुगेदर, दे फॉर्म अ इंटरमीडिएट कैरेक्टर. दैट्स व्हाई इट इज फाउंड ओवर हियर. ओके, तो इट्स ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, को डोमिनेंस. आई होप कि सारा समझ में आ गया होगा और इसको नोट करें, अच्छे से याद भी रखें. Co-dominance, the second deviation from Mendel's law, that is co-dominance. Actually, मैं co-deviation क्या कहता है? Co-dominance कहता है when both the contrasting alleles कम्स टुगेदर. जब दो अलग अलग अलील आपस में आते हैं देन दे बोथ एक्सप्रेस टुगेदर. तो वो एक साथ क्या करते हैं, अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग alleles come together, then they express together. तो जब दो अलग character और alleles एक साथ आते हैं तो वो एक साथ ही express करते हैं, ये condition कहलाती है co-dominance. किस तरीके से, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्या लेते हैं एग्जांपल? द एग्जांपल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप. द बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप, दैट इज नोन एज एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप. एबीओ टाइप ब्लड
ग्रुप। ओके आइए देखते हैं। तो यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जान लेते हैं पहले इसके बारे में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन नोन एज आई जीन। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसको हम आई जीन कहते हैं। एक्चुअली में जो आई जीन है इसके पास 3 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स होते हैं? 3। आई जीन हैज 3 एलील्स। दैट इज कौन कौन से होते हैं? ये होता है आई ए। भैया आई है ये, ठीक है, मैं ऐसा बना रहा हूँ जल्दी में, आप कुछ और ना समझे, कभी समझे सी बना दिया है मैंने। आई ए, आई बी एंड आई। तो ये जो आई जीन है इसके 3 अलील होते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई जीन कंट्रोल्स 3 अलील। आई जीन कंट्रोल्स 3 एलील्स। अब देखो हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है भैया एक जीन के पास 2 एलील होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जीन 2 से ज़्यादा एलील को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। आई जीन कंट्रोल्स 3 एलील्स, तो हम कह सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म व्हेन अ जीन कंट्रोल्स मोर देन 2 एलील्स, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, इज दैट क्लियर और नॉट? एक्चुअली कैन सी ओवर हियर दैट आई जीन द ओनली जीन विच इज गोइंग टू कंट्रोल 3 एलील्स। व्हेन एनी जीन कंट्रोल्स मोर देन 2 एलील्स देन दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो देखो कोडोमिनेंस के अंदर हमने इस चीज़ को भी सीख लिया, मल्टीपल एलिलिज्म को सीख लिया। हमें सीखना अभी डोमिनेंस है और अभी तक हम वहाँ पर आए भी नहीं है। ओके तो एज ए रिक्वायर्ड स्पेस सो आई नीड टू रव इट। तो नोट करते रहें जो भी मैं लिख रहा हूँ, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके तो एक्चुअली में आई जीन जो है वो 3 एलील को कंट्रोल करता है, आई ए, आई बी और आई। यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, ध्यान देना ज़रा। आई ए एंड आई बी डोमिनेंट हैं, क्या है ये? डोमिनेंट। आई जो है वो क्या है? रेसेसिव है। एज यू नो दैट ह्यूमन आर डिप्लॉयड। ह्यूमन क्या होते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो इन तीनों में से कोई 2 आ सकते हैं ह्यूमन के पास। कितने आ सकते हैं? कोई 2। आइए देखते हैं। सो आई नीड टू ड्रॉ अ टेबल।
ठीक है, एलील्स हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई ले लेते हैं मेल से, ये मेल से एलील आ रहा है तो मेल को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ और इधर कोई फीमेल, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड होते हैं और जब रिप्रोडक्शन होता है तो हाफ गैमेट मदर से आते हैं और हाफ गैमेट फादर से आते हैं। सेम कंडीशन अलील्स के साथ भी होती है। तो यहाँ आ गया, इधर हमने ले लिया अलील्स किसके, मेल के, और इधर अलील्स फीमेल के, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ लिख देते हैं जीनोटाइप, क्या लिख देते हैं जीनोटाइप, के जीनोटाइप क्या आया, ठीक है। और नेक्स्ट में लिख देते हैं भैया फिनोटाइप, क्या लिख देते हैं फिनोटाइप, ड्यूरिंग इंटरकोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन द ह्यूमन मेल कैन प्रोड्यूस, आई ए हो सकता है यहाँ से आई ए आए और फीमेल से भी आई ए आ जाए, क्या आ जाए आई ए, तो जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई ए। अब ये तो डोमिनेंट था तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, फीनोटाइप क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप का ए, जीनोटाइप, और ये क्या है फीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से, यहाँ पर आप ध्यान दें ज़रा, ओके। तो फिनोटाइप क्या हो गया यहाँ पर, ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम ए ब्लड ग्रुप, ओके। द नेक्स्ट कंडीशन कैन बी, इधर से तो आई ए आया लेकिन अब की बार इधर से आई बी आ गया, ये कंडीशन भी पॉसिबल है, फीमेल से बी आ जाए और तो जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई बी, ठीक है। तो फीनोटाइप क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी मैंने लिखा है व्हेन टू डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग अलील कम टुगेदर, जब दो अलग अलग अलील एक साथ आते हैं तो वो एक साथ ही एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ए वाला अपना एक्सप्रेस करेगा, बी वाला अपना एक्सप्रेस करेगा, इसलिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ओके। बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग अलील जब आते हैं कोडोमिनेंस में तो वो कंडीशन जो है क्या कहलाती है, कोडोमिनेंस कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को, ए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है कि इधर से तो आई ए आया है लेकिन अब की बार फीमेल की तरफ से सिर्फ आई आया, तो जीनोटाइप हो गया आई ए आई और फीनोटाइप हो जाएगा, अब ध्यान देना आई इज़ रेसेसिव बट ए क्या है डोमिनेंट, आपको पता है जब डोमिनेंट रेसेसिव के साथ आएगा तो रेसेसिव वाले के कैरेक्टर हाइड कर देगा, अपने कैरेक्टर दिखाएगा, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर जो हम कंडीशन की बात करते हैं तो भैया ए ए आ गया, अब की बार हम देख लेते हैं कि मेल जो है यहाँ से आया बी और जो फीमेल है यहाँ से आया ए, ठीक है। द नेक्स्ट कंडीशन इज मेल से तो आ रहा है आई बी बट फीमेल से क्या आया है आई, तो जीनोटाइप हो जाएगा आई बी आई ए बट द ब्लड ग्रुप विल बी आई बी, सॉरी ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका ए बी होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, जब दोनों डिफरेंट आएंगे कॉन्ट्रास्टिंग आएंगे तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, ओके। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट कंडीशन, इधर से आई बी, अब की बार इधर से भी आई बी, देन द जीनोटाइप विल बी आई बी एंड फिनोटाइप विल बी ब्लड ग्रुप बी, ओके। द नेक्स्ट आई बी, इधर से अब की बार आई,
इधर से आई बी आई हो जाएगा जीनोटाइप, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि बी अगेन डोमिनेंट, आई इज रिसेसिव, तो क्या होगा, इसको आई को हटा, उसके कैरेक्टर को हाइड कर देगा, अपने दिखाएगा। द नेक्स्ट वन इज आई आई, तो जीनोटाइप होगा आई आई, अब ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर जो हम देखें, आई ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है, आई बी एंटीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन आई जो है वो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम इसको ज़ीरो यानी कि ओ डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ये कंडीशन देख सकते हैं। तो हम अगर जो इस कंडीशन को देखें, ठीक है, तो ए ए यानी कि डोमिनेंट कंडीशन की बात कर रहा था ये, यहाँ पे देखो डोमिनेंट कंडीशन है। ओके, यहाँ पर डोमिनेंट डोमिनेंट और ये रेसेसिव, रेसेसिव जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है वो एक्सप्रेस करता है, आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें ए बी वाले को, ये बताता है कोडोमिनेंस को, कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस, ओके। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने टाइप के जीनोटाइप निकले हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 6 टाइप्स के आए हैं। कितने टाइप्स के जीनोटाइप बना है यहां पर, 6 टाइप। कैसे आप बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलेंगे सर 6 हो, 7 हो गए, लेकिन मैंने लिखा 6 है। वाई, ए बी दो बार है, ए बी कितनी बार है, दो बार, ये वाली कंडीशन जो है वो दो बार आ चुकी है, आई ए आई बी आई ए आई बी, अदरवाइज सब अलग अलग हैं, इसलिए 6 टाइप्स के जीनोटाइप प्रोड्यूस करता है। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, 6 टाइप्स ऑफ आर पॉसिबल, ठीक है, वो आप देख चुके हैं। और फिनोटाइप कितने होते हैं, फिनोटाइप होते हैं 4, कितने होते हैं 4, कौन कौन से, ए बी ए बी एंड ओ, विच यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो ये फिनोटाइप है और जीनोटाइप है जो निकल करके आते हैं कोडोमिनेंस। आई होप के कोडोमिनेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, साथ में मल्टीपल एलिलिज्म भी क्लियर हुआ होगा कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। जब एक ही जीन दो से ज़्यादा एलील को कंट्रोल करता है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, तो अब इस पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, मैं यहाँ बता रहा हूँ। कहता है कि एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, मदर का ब्लड ग्रुप है ए, तो जो चिल्ड्रन है उसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से होने के चांसेस होते हैं। अब ध्यान देना, मुझे स्पेस चाहिए होगा अगेन, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ये साइड, आप साथ के साथ नोट ज़रूर करें। हाँ, अब अच्छे से हो पाएगा। ध्यान देना, एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, और एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है ए। बोला गया है कि आप जो है क्या निकालें, चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, परसेंटेज में निकालना है, कौन सा ब्लड ग्रुप कितना परसेंट में हो सकता है। देखिए, अब ये जो बी है वो कैसे बन सकता है, तो बी के बनने की दो कंडीशन है, आप दोनों कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, आई बी आई बी और आई बी आई, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये, होमोजाइगस,
और ये है हेट्रोजाइगस। क्या है? हेट्रो। तो क्वेश्चन में अगर जो बोल देता है कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है, होमोजाइगस है, तो आप ये वाली कंडीशन लेंगे। अगर जो बोल दे हेट्रोजाइगस है तो ये वाली कंडीशन लेंगे। सेम अकर्स इन केस ऑफ ए। अगर जो होमोजाइगस बोला है तो ये कंडीशन, हेट्रोजाइगस बोला है तो ये कंडीशन होगी। अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप अगर जो हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालें। तो उस कंडीशन में हेट्रोजाइगस लेते हैं। क्या लेते हैं? हेट्रोजाइगस। अगर जो बोला ना हो तो फादर का ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई बी आई, ठीक है, हेट्रोजाइगस हमने ले लिया, और मदर का हो जाएगा आई ए आई, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होगा यहाँ पर, आप लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें जब भी आप क्रॉस करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस, पेरेंट्स, गैमेट्स, वो सारी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ से बना आई बी एक गैमेट, आई दूसरा गैमेट। आई ए आई, ओके, क्रॉस करवा देंगे। इसके साथ हो सकता है ये आ जाए आई बी आई ए, आई बी आई ए, हो सकता है इसके साथ ये आ जाए आई बी आई, हो सकता है इसके साथ ये वाला आ जाए आई ए आई, हो सकता है इसके साथ ये आ जाए आई आई, ठीक है। तो ये जीनोटाइप निकल करके आ चुके हैं, लेकिन इनका फिनोटाइप देखें तो देना ए बी, तो फिनोटाइप क्या होगा? ए बी बी, यहाँ से ए और यहाँ से ओ। तो आप देख सकते हैं कि चारों टाइप, यानी कि ए बी आ गया, बी आ गया, ए बी और ओ, चारों टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल हैं इस कंडीशन में, अगर जो दोनों हेट्रोजाइगस हैं। अगर जो कोई एक होमोजाइगस होता तो ये वेरिएशन आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 25% ए बी है, 25% ए है, 25% बी है, और 25% ओ है, ओके। आई होप कि बात समझ में आ गई, न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। इन केस हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, आइए एक और सवाल देख लेते हैं इसी बात पे। एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, और एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, ओ कितना परसेंट होगा, ए कितना परसेंट होगा, बी कितना परसेंट होगा, ए बी, ये सब की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। या कोई एक पूछ लेगा, जो नीट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एमसीक्यू में किसी एक की परसेंटेज पूछ लेगा, लेकिन आपको तरीका अगर जो पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसने हमें यहाँ पर कुछ नहीं बोला है होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, तो हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेकर के चलेंगे। ओ बनता है सिर्फ आई और आई से, ए बनता है आई ए आई से, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, तो आई बनेगा और आई आई ए और आई, ठीक है। दोनों में अब आप क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर अच्छे से, इस आई के साथ ये आई ए, ठीक है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमारे पास जीनोटाइप आ चुके हैं, यहाँ से हम फिनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई ए आई, ए हो गया आई आई, ओ हो गया आई ए ए, तो दो ओ आ गए और दो ए आ गए, तो ए कितना परसेंट आ गया? 50%। ओ कितना आ गया? 50%। बाकी ये 0%, 0%, ओके। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कोडोमिनेंस। और ये कैसे हमने देखा? हमने देखा कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग अलील एक साथ आते हैं तो वो एक साथ अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस
करते हैं, यहाँ पर कोई मास्किंग वगैरह नहीं होती है। ओके, आई जीन जो है वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, आई ए और आई बी ये दोनों एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम ए और बी रखा गया है। ठीक, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय एम एस के।